नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के बाद ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध मामले और दिल्ली में 12। 12वीं के पेपर में गुजरात दंगों से जुड़े सवाल पर CBSE लेगा एक्शन। विवादित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हुए और भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल बाद भी मायूस करने वाले हैं हालात। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। इसी के साथ ये 25 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है और इसी बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो LNJP है उसमें अब तक COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मरीजों की संख्या 12 हो गई है। विदेश से आए इन 12 लोगों में से 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब इनकी जीनोम जांच की जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि ये वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन है या नहीं। इसके साथ ही COVID-19 के संक्रमित पाए गए मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है और उनका भी टेस्ट लगातार कराया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि की थी और बताया था कि ये दोनों मामले कर्नाटक से सामने आए हैं। वहीं मुंबई में भी ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज करीब 30 हो चुके हैं और हमने कल ही आपको यह भी बताया था कि दुनिया भर में सावधानी बढ़ती जा रही है कि नया वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर ना बन जाए। इसी के तहत भारत के एयरपोर्ट्स पर भी COVID-19 के जो नियम हैं वो कड़े कर दिए गए हैं। अगली खबर है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन की। CBSE का मानना है कि परीक्षाओं में वही सवाल पूछे जाने चाहिए जो धार्मिक तौर पर न्यूट्रल हों। उसने ये भी इशारा किया है कि इतिहास से जुड़ा सवाल उनकी गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है। ये मामला है 12वीं क्लास के टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स का, जिसमें सोशियोलॉजी के पेपर में सवाल पूछा गया कि किस पार्टी की सरकार के दौरान गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे 2002 में हुए थे। जाहिर बात है कि इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इस MCQ में 4 विकल्प दिए गए थे। समाजशास्त्र के इस सवाल पर CBSE ने यह कह दिया कि यह सवाल गलती से पूछ लिया गया था और उसने बाद में यह भी कहा कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि इस सवाल के ठीक पहले 1975 में लगे आपातकाल पर भी सवाल पूछा गया था। गुजरात दंगे से जुड़े इस सवाल को NCERT की किताब में छपे एक चैप्टर से लिया गया है, जिसमें देश में अलग अलग सरकारों के राज में हुए दंगे या जन विरोधी घटनाओं का जिक्र किया गया है। CBSE ने इस पर ऐसी टिप्पणी क्यों की या किसके दबाव में की और इस पर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 12वीं क्लास में समाजशास्त्र पढ़ने वाले बच्चे जो अगले साल तक वोट देने लायक हो जाएंगे, उन्हें देश में हुए दंगों और उन दंगों के दौरान सरकारों की भूमिका के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। और अब बात करेंगे पंजाब की। बंदूक के इस्तेमाल को, हिंसा को और अपनी जाति को ग्लोरीफाई करने वाले मशहूर और विवादित गायक सिद्धू मूसेवाला ने आज पंजाब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो अपने इलाके में मनसा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सिद्धू मूसा गांव के हैं, जो मनसा शहर में पड़ता है। उनकी माँ कांग्रेस पार्टी से सरपंच भी हैं। सिद्धू के 99% गाने या तो बंदूक के इस्तेमाल या गुंडागर्दी के बारे में हैं या उन्हें ग्लोरीफाई करने के बारे में होते हैं। उन पर बाकायदा आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी पिछले साल दर्ज हुआ था, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो शूटिंग रेंज में AK-47 चला रहे थे। इस केस के बाद सिद्धू के गानों में बंदूकें बढ़ गईं और उन्होंने संजू नाम से एक गाना निकाल दिया जिसमें कहा गया कि जट उत्ते केस जड़ा संजय दत्त दे, यानी उन पर वही केस है जो संजय दत्त पर है। शुक्रवार को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे और दोनों ने यही कहा कि सिद्धू मूसेवाला यूथ आइकन हैं और उन्होंने पंजाबी भाषा के लिए बहुत काम किया है। आर्म्स एक्ट के मामले से जुड़े सवालों पर यह कहा गया कि यह मसला अभी अदालत में है और इस पर कोई भी बातचीत ना हो तो ही बेहतर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि जो आदमी मशहूर होता है उसके साथ ऐसे विवाद चलते ही रहते हैं। बता दें कि पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अंत में बात करेंगे एक त्रासदी की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1984 में आज 3 दिसंबर को ही वो गैस त्रासदी हुई थी, जिसकी दहशत आज 37 साल बाद भी महसूस की जा सकती है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इनमें से कई तो उचित इलाज के अभाव में मर गए और जो किसी तरह जिंदा बचे रहे उन्हें तमाम संघर्षों के बावजूद आज तक ना तो उचित मुआवजा मिल पाया है और ना ही उस त्रासदी के बाद पैदा हुए खतरों से पार पाने के कोई उपाय किए गए हैं। अब भी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने का सैकड़ों टन जहरीला मलबा उसके परिसर में दबा या खुला पड़ा हुआ है।
इसकी वजह से भोपाल के आसपास के इलाकों में लगातार प्रदूषण भी फैलता जा रहा है, मगर इसमें राज्य या केंद्र सरकार ने कोई भी उपाय निकालने के लिए किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए हैं। आज के न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsclick.in पर जाइए और हमको YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।